हाँ जी हाँ जी। तो ये देखिए, हम लोग बैठे बैठे ही प्लान बनाते हैं और चल पड़ते हैं। तो मतलब रात को 6 बजे हम लोग का प्लान बना शाम टाइम के, यार कहीं पे चलते हैं, क्योंकि घर बहुत बोर हो रहे थे। तो हम लोग का गांव जाने का प्लान बन गया। गाड़ी में बैठे, जब गाड़ी में बैठे थोड़ा सा आगे गए तो पता चला पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में। तो पहले हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया, और आप यकीन करें इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई, इतना महंगा पेट्रोल हो गया। और ये देखिए ये देखिए, ये मेरी शौक है आदमी यार, ये हमारे बगैर मैं नहीं रह सकती। फिर हम लोग गाँव पहुँचे तो ये कंपलसरी है कि मैं जब भी जहाँ जाते तो मुझे पहले पहले चाय पीनी होती है, ये मुझे बना कर दी थी। फिर रात का मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो इस वजह से और ये सुबह उठे तो इतनी तेज़ धूप थी, लाइट थी नहीं। फिर मैंने कहा चले आप लोगों को थोड़े से अपने पाँव दिखा दो। फिर मोबाइल की चार्जिंग भी नहीं थी, मैंने दूर से कहीं से पावर बैंक लिया और ये मतलब मैंने चार्जिंग पे मोबाइल लगाया, मेरी चार्जिंग हो रही है मोबाइल की। उसके अलावा फिर ये देखें, मैं गई फ्रिज में पानी निकालने गई थी, लेकिन जब मेरे दरवाजों को अंदर कोई फोटो देनी पड़ी हुई थी पानी की, फिर ऐसे ही मैं वापस आ गई। फिर ये देखिए इतनी गर्मी, इतनी गर्मी आपको बता नहीं सकते। हालांकि रात इतना प्यारा मौसम था ना, इतना जिसको हद नहीं था, लाइट भी नहीं थी। फिर ये मैं बैठी अपनी हवा दे रही थी यार, ये भी कैप्चर करने से मुझे मिल गई फुटबॉल। एज यू नो दैट आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, तो मैंने ऐसे ऐसे फुटबॉल से किक्के मारे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए तो यहाँ पर मुझे बकरी के बच्चे नज़र आ गए, जिनको मैंने बहुत अपनी तरफ बुलाया लेकिन बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं आए, बहुत बदतमीज़ थे। ये देखिए मेरी बहन है, हेलो बहन, ओह सॉरी सॉरी, मतलब ये गाय हैं, गाय जो आपने कभी ना देखी हो तो चले मेरे ब्लॉग में देख लीजिएगा। ये रही मुर्गियाँ, मेरे इंतजार में बैठे थे कब अंडा दे, और ये इसे अंडा दे दे। और टू भी ऑनर्स, जब हम बर्गर अंडा देखते हैं तो ऊपर लाए थे, लगता है जैसे जिंदगी में हम लोगों ने पहली बार अंडा देखा। फिर मैं फिर बाहर निकली क्योंकि मैं अंदर बहुत बोर होती है। अपना तो यार गाँव है, जहाँ दिल करता है चले जाते हैं आराम से। फिर ये मैंने मुर्गियाँ देखी, मुझे मुर्गियाँ नज़र आ गई, और बस देखने मुर्गियाँ पे मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखा दी, जिसने ना देखी हो ना प्लीज़ यहाँ पे देख ले। फिर मुझे इमली के बाग नज़र आ गए, हम सड़क किनारे जा रहे हैं और आपको पता है कि जहाँ मुझे इमली नज़र आ गई मैं वहाँ पर बिल्कुल भी रुक नहीं सकती। फिर हम लोग गए, हमने 5-6 किलो हम लोगों ने इमलियाँ तोड़ी, फिर आप यकीन करें इतनी मज़े के लिए इमलियाँ तोड़ते तोड़ते शाम हो गई। फिर हम वापस घर आ गए, खाना शाना खाया, खाना खाना खाने के बाद बस फिर हम लोग निकल पड़े वापसी के लिए। और ये वापसी के लिए हम जा रहे हैं, कुछ कैप्चर नहीं कर सके क्योंकि अंधेरा बहुत था, बस जैसे भी